हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके अपने चैनल रंजू लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और नादो के मैं फ्री हो चुकी हूँ और कपड़े भी मैंने देखिए बच्चों की ड्रेस वगैरह पड़ी थी तो वो धुल के डाल दी है मैंने। और ऊपर छत पे आई हुई थी डालने के लिए क्योंकि फिर धूप हो जाती है तो फिर छत पे आ नहीं पाते हैं। तो सुबह का मौसम थोड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह छत पे, तो मैं सुबह ही थोड़े कपड़े डाल दिए थे छत पे ही और इधर आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने थोड़ा देसी घी लगा दिया है, एक चम्मच घी लगा दिया है मैंने और इसमें डाल दिए हैं मखाने फ्राई करने के लिए। और इसको अच्छी तरह से चलाती रहूँगी नहीं तो ये लग जाएंगे कढ़ाई में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मखाने थोड़े तल लिए हैं घी में तो ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। और इनको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी तब तक, क्योंकि ये इसमें तो रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो दूसरे बर्तन में देखिए मैंने निकाल लिए हैं। बच्चे ज़्यादा ज़िद कर रहे थे मखाने की तो उसी की वजह से फिर बनाने पड़े। तो फिर चाय और मखाने दोनों चीज़ मैंने बना लिए हैं और इसमें प्लेट में मैंने रख दिए हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। अभी थोड़ा गर्म है तो इनमें थोड़ा डाल लूँगी मैं थोड़ा काला नमक और इसमें एक जलजीरा पाउडर है वो भी डाल दूँगी, थोड़ा हल्का खट्टापन आ जाएगा इसमें तो अच्छे लगेंगे। तो देखिए दोनों मसाले वगैरह मैंने डाल दिए हैं इसमें और इसको कलछी से चला दूँगी अच्छी तरह से, तो इनमें मसाला थोड़ा अच्छी तरह से मिल जाएगा। फ्रेंड, किस किस को मखाने पसंद हैं वो खा सकता है। और इधर मैंने इंडक्शन पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी तो ये चाय भी तैयार हो रही है बनके, क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चाय खोल चुकी है। सुबह सुबह तो वैसे भी एक कप चाय न मिले तब तक कुछ काम नहीं बनता। सुबह सुबह हो जाता है ठंडा मौसम तो बिना चाय के कुछ काम नहीं हो पाता है। तो चाय मेरी बनके हो चुकी है तैयार और इसको कर लूँगी मैं दूसरे बर्तन में, करते करते ठंडी हो जाएगी। और बच्चे भी अपना थोड़ा काम कर रहे हैं तो उनके लिए मैं चाय दे दूँगी दोनों के लिए। और मखाने रख दिए हैं मैंने प्लेट में, तो बच्चों को भी तो वैसे भी ज़्यादा पसंद होते हैं मखाने और वो चिल्ला भी रहे थे कि मम्मी मखाने बना दो। मैं थोड़ा आलस कर जाती थी तो आज बना दिए मैंने मखाने और इनका रिएक्शन देखना। मैंने इनको बताया नहीं था कि मैंने मखाने बनाए हैं और देखी प्लेट मैंने ले जा के रख दी है क्योंकि दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो उनको पता लगा जैसे ही कि मखाने बने हैं तो ये तुरंत आके बैठ गए हैं प्लेट के पास। और देखना श्याम ने तो आते ही आते उठा के ऐसे ही मुंह में डाल लिया, बस ना हाथ धुले ना कुछ और ऐसे ही खाने लग गया दोनों बस खाने।